एवरीवन, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। ओबली प्रेप्स में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज वैशाली सिंह और हम यहाँ लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो चंद्रयान से रिलेटेड। इसमें चंद्रयान मिशन 2 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये GSLV जो वर्ड आया है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया। इसका आंसर होगा इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया। इसका आंसर होगा लगभग 960 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतारना है। इसका आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसको उतारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया। इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। इसका आंसर होगा एम विनीता और ऋतु करिधल इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान मिशन 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा के शिवान जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इनको 2019 में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने पर कितना दिन का समय लगेगा। इसका आंसर होगा 53 से 54 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 का अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। इसका आंसर होगा भारत के लिए दूसरा मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया था। इसका आंसर होगा चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था। इसका आंसर होगा लगभग 380 करोड़ रुपए का खर्च आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा जी माधवन नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका आंसर होगा PSLV C-11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये PSLV क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 को सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा। इसका आंसर होगा चौथा देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से हैं। इसका आंसर होगा पहला इसमें ऑर्बिटल है, दूसरा लैंडर है और तीसरा रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है। इसका आंसर होगा विक्रम नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल का क्या कार्य करेगा। इसका आंसर होगा ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा।
इसका आंसर होगा चंद्रमा की सतह पर उतरेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 2 का हिस्सा जो रोवर है उसका क्या क्या कार्य रहेगा, तो उसका कार्य रहेगा कि वो चंद्रमा की सतह पे उतरेगा और साथ ही साथ वहाँ पे चलेगा और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी उसको इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्बिटल का क्या काम रहेगा, इसका काम रहेगा कि पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखना, आपस में संपर्क बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 2 का वजन कितना है, इसका आंसर होगा इसका वजन लगभग 3877 किलोग्राम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांद की दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा का व्यास कितना होता है, इसका आंसर होगा 3478 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय पर पहुंचती है, इसका आंसर होगा 1.30 सेकेंड पे पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान मिशन 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसका आंसर होगा इसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 1 अंतरिक्ष में कब पहुंचा था, इसका आंसर होगा ये 27 अक्टूबर 2008 में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया, इसका आंसर होगा इसराइल का बेरेसिट असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था, इसका आंसर होगा 22 फरवरी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, इसका आंसर होगा लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है, इसका आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसरो के संस्थापक कौन है, इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया गया, इसका आंसर होगा UDMH का इस्तेमाल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान मिशन 2 रोवर को क्या नाम दिया गया, इसका आंसर होगा प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा के वर्णन की विधा को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा सेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विक्रम लैंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सतह से चांद की कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, इसका आंसर होगा 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन है, इसका आंसर होगा नील एमस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नील एमस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था, इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील एमस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरा था, इसका आंसर होगा अपोलो 11। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस दिन पहुंचाएगा, इसका आंसर होगा 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान मिशन 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर होगा चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना, जल की उपस्थिति का पता लगाना और साथ ही साथ चट्टानों के खनिज पदार्थों की जांच करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।